है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज दीपक शर्मा और चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर क्वेश्चंस एंड आंसर। आगामी एग्जाम्स में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है दोस्तों, कुछ ही मिनट्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं और ये एग्जाम में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध लोक गायिका मांगी बाई राज्य से संबंध रखती थी दोस्तों, इसमें 4-5 प्रश्न है। ये प्रसिद्ध लोक गायिका मांगी बाई जो थी, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, प्रसिद्ध लोक गायिका मांगी बाई राजस्थान के किस जिले से संबंध रखती थी, तो जिले का आंसर है प्रतापगढ़ और राज्य का आंसर है राजस्थान। नवंबर 24 नवंबर 2017 को राजस्थानी लोक गायिका मांगी बाई आर्य का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। श्रीमती मांगी बाई का जन्म राजस्थान के प्रतापगढ़ की पारंपरिक संगीतकार परिवार में हुआ था। उन्हें अपनी मांड गायकी की संगीत की शिक्षा अपने पिता कमल राम से प्राप्त हुई थी। वर्ष 2008 में राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी द्वारा श्रीमती मांगी बाई को मांड गायकी की उपाधि से नवाजा गया। तो कब नवाजा गया? 2008 में। पिता का नाम क्या था? राम कमल। निधन कब हुआ? 24 नवंबर 2017 को। क्या गाती थी मांड गायिका? नाम क्या था? मांगी बाई। और कौन से राज्य से? राजस्थान से। कौन से जिले से? प्रतापगढ़ से। एक प्रश्न अनेक प्रश्न, यही खासियत है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन सेवा प्रारंभ की गई है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है दिसारी। नवंबर 2017 को राजस्थान के उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक नई मोबाइल एप्लीकेशन सेवा प्रारंभ की गई है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है दिसारी। दिसारी नामक मोबाइल एप्लीकेशन गणित, सामान्य ज्ञान, वर्तमान मामलों, कंप्यूटर, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों एक मोबाइल ऐप है जो आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर रन हो सकती है, चल सकती है, और ये राजस्थान गवर्नमेंट ने नवंबर 2017 में लॉन्च की थी। राजस्थान पुलिस की प्रथम ट्रांसजेंडर कांस्टेबल, ट्रांसजेंडर मतलब होता है किन्नर। नवंबर 2017 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने गंगा कुमारी को वर्ष 2015 से कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के लिए राजस्थान पुलिस को आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के उपरांत गंगा कुमारी राजस्थान पुलिस में शामिल होने वाली प्रथम महिला ट्रांसजेंडर यानी किन्नर होगी, जिन्होंने लिंग भेद के कारण पद नियुक्ति नहीं प्रदान की गई थी। मतलब उन्हें पहले नियुक्ति प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन उन्होंने केस लड़ा, 2 साल तक केस चला और फिर माननीय न्यायालय ने फैसला दिया। भारत का प्रथम राज्य जो अपने नागरिकों को हिंदी में ईमेल की सुविधा प्रदान करता है वो राज्य है राजस्थान। दिसंबर 2017 को राजस्थान कैबिनेट ने अपने नागरिकों को हिंदी में मेल सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। इस घोषणा के तहत राजस्थान के नागरिकों को name@rajasthan.bharat, ये तो इंग्लिश फॉन्ट में लिखा हुआ है दोस्तों, अब जो सुविधा प्रदान की गई है वो हिंदी फॉन्ट यानी देवनागरी लिपि में होगी। उदाहरण के रूप में vasundhara@rajasthan.bharat देवनागरी स्क्रिप्ट में पेश की जाएगी। ये पहला ऐसा राज्य है अपना राजस्थान जहां पर यह सुविधा प्रारंभ की गई है। पूरे भारत में कहीं भी यह सुविधा अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ गुरु शिक्षक कार्यक्रम का संबंध है। गुरु शिक्षक कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों, गुरु और शिष्य के संवाद के लिए जो कॉलेज स्तर पर चलाया जाता है। दिसंबर 2017 को राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुरु शिष्य नामक छात्र शिक्षक संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम सभी जिलों के नोडल कॉलेजों में छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए छात्र छात्राओं का चयन मेरिट और छात्र संघ के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। राजस्थान जिले के जो वैदिक राज्य ब्रह्मवर्ता के भाग हुआ करते थे, हिंदू धार्मिक पाठ मनुस्मृति ने ब्रह्मवर्ता को भारत में सरस्वती और दृष्टिवादियों के बीच के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है। भार्गव के अनुसार झुंझुनू, सीकर और जयपुर का कुछ हिस्सा वैदिक राज्य ब्रह्मवर्ता के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त हरियाणा के महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिला भी ब्रह्मवर्ता राज्य का अंग था। तो दोस्तों ये पुरानी काल की बात है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया था। अब इसका आंसर ये है, जोधपुर के तत्कालीन महाराजा राव जोधा द्वारा ईस्वी में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। राव जोधा द्वारा निर्मित यह किला 125 मीटर
ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। हमें ध्यान देना चाहिए कि राव जोधा द्वारा 1000 वर्ष पूर्व निर्मित मंडोर किले को पर्याप्त सुरक्षित न मानने के कारण मेहरानगढ़ किले का निर्माण किया गया था। तो ये इसकी थोड़ी संक्षिप्त हिस्ट्री है। इस पे अगर क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। वर्तमान टोंक जिले के संस्थापक थे। टोंक जिले के संस्थापक नवाब मोहम्मद आमिर खान थे, जो 1769 से लेकर 1834 तक जीवित थे। अफगानिस्तान से पश्तून वंश के एक साहसी और सैन्य नेता थे। वह मराठा साम्राज्य के यशवंत राव होलकर की सेवा में एक सैन्य जनरल थे। वर्ष 1817 के भीतर आंग्ल मराठा युद्ध के उपरांत आमिर खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टोंक में सियासत सौंप दी थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें नवाब की उपाधि से नवाजा गया। ब्रिटिश राज के समय में टोंक भारत की एक रियासत हुआ करती थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यादेश सन 1949 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। राजस्थान की एकजुट होने से पूर्व जोधपुर, जयपुर और बीकानेर सहित कुल 5 उच्च न्यायालय थे, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश सन 1949 के तहत समाप्त कर पूरे राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की गई। तो पहले कहाँ कहाँ पे थी? पहले थे अपने पास जोधपुर, जयपुर, बीकानेर सहित कुल 5 उच्च न्यायालय थे राजस्थान में, लेकिन उन्हें खत्म करके जोधपुर में ही एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ये कब हुआ? अध्यादेश सन 1949 के तहत आजादी के 2 साल बाद। राजस्थान में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रथम इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कंपनी स्टेब्लिश हुई थी जयपुर में, और इस कंपनी का नाम है डेटा इंफोसिस। राजस्थान में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रथम इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी डेटा इंफोसिस है, जिसने राजस्थान में प्रथम इंटरनेट सेवा प्रारंभ की। हमें ध्यान देना चाहिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार डेटा इंफोसिस भारत में छठी सबसे बड़ी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लोग बीएसएनएल के आंसर पर टिक करके आ जाते हैं, बीएसएनएल का ऑप्शन उसमें होगा, लेकिन बीएसएनएल इंटरनेट प्रोवाइड तो करवाती है, लेकिन राजस्थान में उन्होंने सबसे पहले नहीं करवाया था। राजस्थान में सबसे पहले करवाया था डेटा इंफोसिस ने, और इनके बकायदा कैटेगरी टाइप डिवाइड होते हैं, अलग अलग संभाग, अलग अलग विभाग, उस हिसाब से डेटा सर्व होता है। इन्हें हम आईएसपी भी कहते हैं, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।